अयोध्या को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए मोदी सरकार खर्च करेगी 1,00,000 करोड़ रुपए। देश की सबसे बड़ी हाईटेक धार्मिक सिटी होने जा रही है अयोध्या। अयोध्या में बड़े व्यवसायी ढूंढ रहे हैं जमीन, किसी को बनाना है आलीशान होटल तो कोई खोलना चाहता है 5 सितारा रिजॉर्ट। होगा राम नगरी का पूरा विकास क्योंकि होने जा रहा है राम मंदिर का निर्माण। 1,00,000 करोड़ की अयोध्या, चौंकिए मत, इतनी बड़ी राशि सुनकर अचंभित भी मत होइए। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अब अयोध्या तेजी से बदल रही है, ये इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की राह में है, इसलिए यहाँ धनवर्षा हो रही है। मोदी सरकार और योगी सरकार के अलावा उद्योगपति अयोध्या में 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। देश भर के बड़े व्यवसायी अयोध्या में जमीन तलाश रहे हैं। यहाँ कोई इंटरनेशनल होटल खोलना चाहता है, कोई रिजॉर्ट तो कोई अत्याधुनिक आश्रम। उम्मीद के दिए परवान चढ़ रहे हैं और इसकी शुरुआत राम मंदिर का नक्शा पास होने के साथ हो गई है। अयोध्या में क्या हो रहा है, किसकी किस में रुचि है, ये सब जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। तेरह हजार वर्ग मीटर कवर्ड एरिया में राम मंदिर बनेगा। 2,74,110 वर्ग मीटर का ओपन एरिया होगा। इसी के साथ यहां बनने वाली मस्जिद का भी काम अब रफ्तार पकड़ रहा है। धन्नीपुर गांव की 5 एकड़ जमीन में 15,000 स्क्वायर फीट पर मस्जिद बनेगी। प्रोफेसर MS अख्तर इसकी डिजाइन तैयार करेंगे। मस्जिद इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पर आधारित होगी। मुसलमानों के लिए भी अयोध्या जल्द ही बड़ा धार्मिक स्थल होगा, इसलिए व्यवसायियों को यहाँ बिजनेस में बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। सभी धर्मों के स्थलों का होगा विकास। मंदिर मस्जिद का काम बढ़ने के साथ ही अयोध्या का रूप भव्य से और भव्यतम होता जाएगा, क्योंकि तीर्थ नगरी के काया पलट के लिए सरकार और उद्योगपति दोनों जुटे हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, टाटा ग्रुप जैसे कई बड़े बिजनेस टाइक्यून हजारों करोड़ निवेश के इच्छुक हैं। अयोध्या भगवान राम के आस्थावानों के लिए महत्वपूर्ण स्थल तो है ही, विश्व पर्यटक नक्शे पर भी जगह बनाए, इसलिए यहाँ के जैन बौद्ध और मुस्लिम धर्म स्थलों को भी विकसित किया जाएगा, ताकि अयोध्या दुनिया के अन्य बड़े तीर्थ स्थलों की तरह विकसित हो सके। अयोध्या होगी मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वर्ल्ड क्लास आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए रेलवे, सड़क और वायु, हर तरह के संपर्क मार्गों से अयोध्या की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। इस पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं। विकास का खाका इस तरह खींचा गया है कि अगले 5 साल में अयोध्या मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित हो सके, इसलिए यहां अरबों की प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अयोध्या में 5 स्टार खोलने के लिए कई बड़े बिजनेस ग्रुप से बात। अयोध्या में अभी एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होते ही 20 3 और 4 स्टार होटल, 5 2 स्टार और 3 5 स्टार खोलने के लिए अर्जियां आ चुकी हैं। मंदिर परिसर से 8 किलोमीटर दूर के दायरे में 5 स्टार होटल खोलने के लिए कई बड़े बिजनेस ग्रुप्स जमीन के सौदे कर रहे हैं। रियल एस्टेट कारोबारियों ने 5 से 7 साल में अयोध्या में 15 से 30 लाख रुपए वाले कम से कम 5,000 फ्लैट की जरूरत बताई है।
इस तरह की प्रोजेक्ट में 15 डेवलपर्स ने अपनी रुचि दिखाई है। पतंजलि पीठ खोलना चाहते हैं योग गुरु रामदेव। देश के तमाम ऐसे साधु संत हैं जिनके अभी तक अयोध्या में आश्रम या मठ नहीं है, वे भी अपने आश्रम या मठ रामनगरी में खोलने की तैयारी में हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि पीठ और जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद ने अयोध्या में जूना अखाड़ा स्थापित करने की इच्छा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जताई है। बढ़ने लगे हैं जमीनों के दाम। विकास का काम शुरू होते ही रामनगरी में जमीनों के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं। घर और कारोबार की चाह में यहां जमीन 4 गुना महंगी हो गई है। अयोध्या से सटे माजा, बरहेटा और सहजनवा में कई सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए जनौरा, देवकाली, पहाड़गंज, रानोपाली और माझा कला गांव में किसानों ने जमीन की कीमतें बढ़ा दी हैं। पहले यहां 2 से 3 लाख बिस्वा में जमीन उपलब्ध थी, अब कीमत 8 से 10 लाख रुपए प्रति बिस्वा के बीच हो गई। अयोध्या में श्री राम के 7 रूप की 7 मूर्तियां। माझा बरहेटा में दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम की मूर्ति लग रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम के 7 रूपों की 7 मूर्तियां भी चारों दिशाओं में लगेंगी। 600 एकड़ में नव अयोध्या टाउनशिप, 200 एकड़ में इच्छुआक सिटी बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला स्थल, राम शोध केंद्र जैसे तमाम प्रोजेक्ट के लिए भी भूमि चाहिए। जन सुविधाएं, होटल और कॉम्प्लेक्स भी बनने की कतार में हैं। इस तरह 5 साल में अयोध्या के विकास की 1 लाख करोड़ की विभिन्न परियोजनाएं पूरी होंगी। हाईटेक सिटी के लिए ये कायाकल्प जरूरी भी है, तभी तो दुनिया के पर्यटन में छाएगा अयोध्या। राम मंदिर निर्माण से जुड़ा ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।